इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एवेंजर्स एंड गेम मूवी के बाद थॉर गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम के साथ स्पेस में चला गया था और उनके साथ रहकर कई अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर मुसीबत में फंसे लोगों की हेल्प करने लगा था। इसी बीच उसने एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को भी फिट कर लिया था। थॉर ने अपने पूरे परिवार को खो दिया था जिससे उसका मन दुखी रहता था। अपने मन की शांति के लिए वो मेडिटेशन भी किया करता था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दूर कहीं एक प्लेनेट पर सूखा पड़ा था और वहां पर सभी लोग मारे जा चुके थे। वहां पर सिर्फ गौर नाम का एक एलियन और उसकी बेटी बची थी। वो लोग रापू नाम के एक गॉड की पूजा किया करते थे। उस प्लेनेट की बिगड़ती हालत के कारण गौर की बेटी की मौत हो जाती है। वो फिर भी उस गॉड की पूजा करना नहीं छोड़ता। एक दिन अचानक से उसे कहीं से आवाज आती है। जब वो उस आवाज का पीछा करता है तो वो एक हरे भरे जंगल में आ जाता है, जहाँ पर बहुत सारा खाना देखकर वो समझता है कि ये उसी गॉड ने खुश होकर गौर के लिए ही भेजा है। लेकिन ऐसा नहीं था, असल में ये खाना उसी रापू नाम के गॉड के लिए ही था। वो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे क्योंकि उन्होंने नेक्रो स्वॉर्ड के मालिक को मारकर उस स्वॉर्ड को हासिल कर लिया था। नेक्रो स्वॉर्ड एक ऐसी श्रापित तलवार थी जिससे देवताओं को मारा जा सकता था। ये तलवार खुद अपना मालिक चुनती थी और ये तलवार जिसके पास भी होती थी वो भी श्रापित होकर बहुत ताकतवर हो जाता था। इसी तलवार ने गौर को वहाँ जंगल में बुलाया था क्योंकि ये तलवार गौर को अपना नया मालिक चुनना चाहती थी। रापू ने गौर की हेल्प करने की बजाय उसका बहुत मजाक उड़ाया था, इसलिए गौर भी गुस्से में आज के बाद उसकी पूजा करने से मना कर देता है, जिससे रापू गुस्सा होकर उसे जान से मारने लगता है। लेकिन तभी वो तलवार खुद ब खुद गौर के हाथों में आ जाती है। इसके बाद गौर रापू को मार देता है। ये तलवार गौर से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी की मौत का बदला लेना है तो तुम सभी देवताओं को मार दो। गौर उस तलवार के बहकावे में आकर ऐसा ही करने का फैसला करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि थॉर की गर्लफ्रेंड जेन फॉस्टर को कैंसर हो गया था और वो बहुत कमजोर हो गई थी। अपने आप को ठीक करने के लिए वो म्यूनियर के बारे में स्टडी करने लगती है। उसे पता चलता है कि ये हथौड़ा जिसके पास भी होगा उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी और उसमें भी थॉर जैसी पावर्स आ जाएंगी। उसकी तलाश में वो न्यू एसगार्ड जाती है, जहाँ की रानी वैलकरी थी, जिसे थॉर ने ही इस न्यू एसगार्ड को संभालने के लिए कहा था। वहाँ पर जेन फॉस्टर म्यूनियर को देखती है, लेकिन वो हैला की वजह से टूटा हुआ था। लेकिन जेन के करीब आते ही वो फिर से ठीक हो जाता है। फिर जैसे ही जेन उसे उठाती है उसमें भी थॉर जैसी पावर्स आ जाती हैं और फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो उस हथौड़े को इसलिए भी उठा पाई क्योंकि वो ओडिन के मंत्रों के अकॉर्डिंग उसे उठाने के काबिल थी। और एक बार थॉर ने भी उस हथौड़े को जेन फॉस्टर का ध्यान रखने को कहा था। बस इन्हीं सब वजहों से वो उस हथौड़े को उठा पाई, जिसकी वजह से वो माइटी थॉर के नाम से जानी जाने लगी। लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। वापस से जेन फॉस्टर बनते ही उसकी बीमारी फिर से उसे कमजोर कर देती थी, इसलिए वो माइटी थॉर बनकर न्यू एसगार्ड में ही रहने लगी और उसकी वैलकरी के साथ भी दोस्ती हो गई। दूसरी तरफ गौर बहुत से देवताओं को मारता जा रहा था, जिसकी वजह से वो गॉड बुचर यानी कि देव हत्यारा के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन पूरी दुनिया में बहुत से गॉड्स थे, उन सभी को मार पाना गौर के बस की बात नहीं थी। इसलिए नेक्रोस वार्ड उसे एडवाइस देती है कि गौर को इटर्निटी के पास जाना चाहिए। उसी की हेल्प से वो सभी गॉड्स को एक ही बार में मार सकता है। इटर्निटी एक ऐसा बींग है जो दुनिया के सेंटर में रहते हैं और वो किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। लेकिन उन तक पहुंचने के लिए एक जादुई दरवाजा पार करना पड़ेगा, जिसकी चाबी है बायफ्रॉस्ट ब्रिज। इसके बाद गौर उस स्वॉर्ड की बात मानते हुए इटर्निटी के पास जाने का फैसला करता है। इसी बीच गौर और भी कई सारे प्लैनेट्स पर जाकर वहां के गॉड्स को भी मार देता है, जिससे उन सभी प्लैनेट्स की हालत बहुत खराब हो गई थी। जब थॉर को उन प्लैनेट्स की बुरी हालत के बारे में पता चलता है तो उसकी टीम के सभी मेंबर्स अलग होकर अलग अलग प्लैनेट्स पर जाते हैं ताकि वहां के लोगों की हेल्प कर सके। इसी बीच थॉर कॉर्ग के साथ एक प्लैनेट पर जाता है, जहां पर थॉर की पुरानी फ्रेंड जिसका नाम लेडी सिफ है वो घायल हो रखी थी। वो थॉर को गौर के पूरे प्लान के बारे में बताती है और कहती है कि गौर न्यू एसगार्ड को भी तबाह कर देगा। ये सुनकर थॉर कॉर्ग और लेडी सिफ के साथ न्यू एसगार्ड के लिए निकल जाता है। वह न्यू एसगार्ड में गौर उस तलवार की हेल्प से बहुत सारे शेडो मॉन्स्टर्स बनाता है और वहां पर अटैक कर देता है। वहां पर वैलकरी और जेन फॉस्टर मिलकर उन शेडो मॉन्स्टर्स का मुकाबला करते हैं। तभी वहां पर थॉर भी आ जाता है। वो जेन फॉस्टर को इस रूप में देखकर बहुत ही खुश होता है। इसके बाद गौर थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर हासिल करने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी हेल्प से वो बायफ्रॉस्ट का यूज कर सकता था। लेकिन थॉर उसे कड़ी टक्कर देता है, जिसकी वजह से गौर स्टॉर्म ब्रेकर को हासिल नहीं कर पाता। जाते जाते गौर
एसगार्ड के बच्चों को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। उसका ये प्लान था कि जब थॉर इन बच्चों को बचाने आएगा तो गौर अकेले में, तब उसका स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेगा। इसके बाद थॉर, वेलकरी और जेन मिलकर उन बच्चों को बचाने के लिए प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गौर उन्हें लेकर कहां गया है। तभी हाइमडॉल का बेटा एक्सेल, जो कि उन्हीं किडनैप हुए बच्चों के साथ था, वो अपनी पावर्स की हेल्प से थॉर से कॉन्टेक्ट करता है और उसे गौर की लोकेशन बता देता है। गौर शैडो रैल्म नाम की एक जगह पर था। इसके बाद थॉर, वेलकरी और जेन मिलकर गॉड ज़ियस के पास हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। वो चाहते थे कि ज़ियस गॉड से लड़ने में उनकी हेल्प करे, लेकिन ज़ियस उस नेक्रोसवॉर्ड तलवार के डर से उनकी हेल्प करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं गौर उन्हें भी ना मार दे। इसी के साथ वो ये भी जानते थे कि गौर थॉर की हेल्प से ही इटर्निटी तक पहुंच सकता है और अपने मकसद में सक्सेसफुल हो सकता है, इसलिए वो थॉर और उसके साथियों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन थॉर उल्टा ज़ियस को ही उनके ही वेपन, जिसका नाम थंडरबोल्ट होता है, उससे मार देता है और उनका वो वेपन लेकर वहां से चला जाता है ताकि उस वेपन को गौर के खिलाफ यूज कर सके। रास्ते में जेन थॉर को अपने कैंसर के बारे में बताती है, जिससे थॉर को शॉक लगता है। फिर थॉर जेन से कहता है कि मैं आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद वो सब शैडो रैल्म पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्हें एक पेंटिंग की हेल्प से गौर का पूरा प्लान पता चल जाता है कि गौर थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर हासिल करना चाहता था ताकि उसकी हेल्प से वो बायफ्रॉस्ट ब्रिज का यूज कर सके, जिससे कि इटर्निटी तक जाने का गेट भी ओपन हो जाए। इतने में ही गौर वहां आ जाता है। इस प्लेनेट पर गौर की पावर्स कई गुना बढ़ चुकी थी। वो इन सब हीरोज पर भारी पड़ रहा था। जब गौर वेलकरी को घायल कर देता है तो थॉर जेन और वेलकरी को लेकर बायफ्रॉस्ट की हेल्प से वापस एसगार्ड जाने लगता है, लेकिन गौर उसी वक्त थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर उससे छीन लेता है। इसके बाद वो सभी हीरोज एसगार्ड पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वेलकरी का इलाज किया जाता है। जेन फॉस्टर की भी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि म्यूनिर हथौड़ा उसकी बॉडी से कैंसर वाली मेडिसिन्स को बाहर निकाल रहा था, क्योंकि वो मेडिसिन्स उस हथौड़े के अकॉर्डिंग जहर थी और वो हथौड़ा तो बस जेन की हेल्प करना चाहता था, लेकिन इसकी वजह से जेन की हालत और भी खराब हो गई थी। इसके बाद डॉक्टर थॉर को बताते हैं कि अगर फिर से जेन ने उस हथौड़े का यूज किया तो इससे जेन की जान भी जा सकती है। इसी वजह से थॉर अकेला ही गौर का मुकाबला करने का फैसला करता है। इसके बाद थॉर ज़ियस के वेपन का यूज करके गौर के पास पहुंच जाता है। वहां पर गौर उन बच्चों को लेकर इटर्निटी के गेट के पास जाता है और बायफ्रॉस्ट की हेल्प से उस गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां थॉर आ जाता है। इसके बाद गौर थॉर को रोकने के लिए बहुत सारे शैडो मॉन्स्टर्स बना देता है, लेकिन थॉर अकेला उन सब का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए वो उन सभी बच्चों को अपनी पावर्स देता है, जिससे वो सभी बच्चे भी बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और उन शैडो मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ थॉर गौर से फाइट करता है, लेकिन गौर उस पर भारी पड़ता है। वहां अर्थ पर जेन फॉस्टर को भी महसूस हो जाता है कि थॉर खतरे में है, इसलिए वो फिर से उस हथौड़े का यूज करके माइटी थॉर बन जाती है और थॉर के पास आकर उसकी हेल्प करने लगती है और अकेले ही गौर से फाइट करने लगती है। थॉर उस स्टॉर्म ब्रेकर के पास जाकर बायफ्रॉस्ट को बंद कर देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब इटर्निटी का गेट खुल चुका था। इसके बाद थॉर उस स्टॉर्म ब्रेकर को उन बच्चों की तरफ फेंक कर उन्हें वापस अर्थ पर टेलीपोर्ट करके भेज देता है। इसके बाद थॉर और जेन मिलकर गौर के नेक्रोसवॉर्ड को भी तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से गौर उस तलवार के श्राप से मुक्त हो जाता है, लेकिन गौर फिर भी उस गेट से होते हुए इटर्निटी के पास चला जाता है। जेन और थॉर भी उसके पीछे पीछे वहां चले जाते हैं। अब क्योंकि गौर सबसे पहले इटर्निटी के पास आया था तो उसे ही उससे विश मांगने का हक था। वहां पर आकर जेन वापस से नॉर्मल बन जाती है, जिससे वो मरने की हालत में आ जाती है। थॉर गौर को समझाता है कि सभी गॉड्स को मारने के बजाय तुम अपनी बेटी को वापस जिंदा कर सकते हो, लेकिन गौर उससे कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। जेन फॉस्टर उससे कहती है कि थॉर तुम्हारी बेटी का ख्याल रखेगा, जिस पर थॉर मान जाता है। फिर गौर भी उन दोनों की बात मान जाता है और इटर्निटी से विश मांगता है कि उसकी बेटी वापस जिंदा हो जाए। फिर इटर्निटी उसकी बेटी को जिंदा कर देते हैं। इसके बाद जेन फॉस्टर और गौर दोनों मर जाते हैं और थॉर गौर की बेटी को अपने साथ ले जाता है और उसका एक पिता की तरह ख्याल रखता है। वहां पर न्यू एसगार्ड में जेन फॉस्टर की याद में माइटी थॉर का एक स्टैचू भी बनाया गया था। गौर की बेटी को अब से लव के नाम से जाना जाता है। थॉर लव को अपना स्टॉर्म ब्रेकर दे देता है और खुद म्यूनिर हथौड़े को अपना मेन वेपन बना लेता है और अब वो दोनों मिलकर दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर कमजोर लोगों की हेल्प करने लगते हैं।
मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें ज़ीउस को दिखाया जाता है जो कि अभी मरे नहीं थे। वो थॉर से बदला लेने और दुनिया में देवताओं का खौफ फिर से कायम करने के लिए अपने बेटे हरक्यूलिस को थॉर को मारने के लिए भेजते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जेन फॉस्टर को दिखाया जाता है जो कि मरने के बाद वेलहेला नाम की एक जगह पर आ गई थी जो कि एसगार्ड वासियों का स्वर्ग है। वो वहां पर इसलिए आ पाई क्योंकि वो एक योद्धा की मौत मरी थी। वहां पर हाइमडॉल उसका स्वागत करते हैं और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।